हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम स्टूडियो में एस जी कॉन्स्टेबल के फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपसे मैथ में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, उनको यहाँ पे सोल्व करेंगे। दोस्तों फ्रेंड, मैं कुछ ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, आप एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को क्या होगा? दोस्तों, इसने आपसे पूछा है आपको लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। आपने मतलब इसने आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो फिर दोस्तों, आप मेरी बात ध्यान से सुनो एक, ठीक है। अगर आपसे दोस्तों अगर आपसे दिया जाता है कि आपको 10% की हानि होगी या फिर 10% का लाभ हो गया, ठीक है, अगर आपको 50% की हानि होगी या 50% का इसने लाभ कह दिया या हानि कह दी, मतलब उसने वैल्यू एकदम सेम रखी, ठीक है, आपसे लाभ हानि में बात कर ली, तो फ्रेंड्स हमेशा इस कंडीशन में आपको हमेशा हानि होगी। ये बात दोस्तों आपको याद रखनी है। अगर आपसे 10% की अधिक कहता है, 10% कम कहता है, 20% की हानि कहता है, 20% का लाभ कहता है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको हानि ही होगी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 10% अधिक देते हैं, तो दोस्तों तो हमारा सबसे पहले काम है 10 को दोस्तों फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। दोस्तों 10/100, 0 से 0 की दोस्तों, ठीक है, 1/10। फ्रेंड्स क्या कह रहा है, 10% अधिक देता है, मतलब दोस्तों हमारी टोटल वैल्यू है 10, एक अधिक देता है, ठीक है, 10 से 11, ठीक है। फिर नीचे देखिए, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है अभी, मतलब दोस्तों हमारा टोटल टोटल वैल्यू जब दोस्तों हम इस जो आप देख रहे हैं सेकंड में 10 10 को दोस्तों जब फ्रैक्शन में करेंगे 1/10 ही हो जाएगा इसका भी, मतलब टोटल 10 है, एक की दोस्तों छूट दे रहा है, ठीक है, तो 10 9, ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। मतलब टोटल हमारा 10 है, एक की छूट दी थी, मतलब यहाँ पे 9 रह गया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है अधिक, ऊपरले वाले में दोस्तों अधिक कह रहा है, निचले में कम कह रहा है। पहले आप देखिए यहाँ पे 10 था, 11 कर दिया मैंने, 10 था, 9 हो गया, ठीक है। दोस्तों इसके नीचे मतलब मैं कैसे कर लेते हैं, ठीक है, 10 की 10 से गुणा कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे 11 में 99, ठीक है। मतलब दोस्तों पहले वैल्यू 100 थी, अब होगी ये 99, ठीक है, 1 की दोस्तों हानि हो गई है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला दोस्तों ऐसी कंडीशन में ऐसा हानि ही होगी, ठीक है। तो दोस्तों 1/100 गुना में 100, 100 से 100 का दोस्तों, ठीक है, आपका दोस्तों आंसर आ गया 1, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो आपको ये 1 रुपया जो भी आंसर आया दोस्तों हमारा, आपको हानि हुई है, ठीक है, 1 रुपये की आपको हानि हुई है, 1% कह लो, 1 रुपया कह लो दोस्तों, मतलब इस कंडीशन दोस्तों आपके हमेशा आपको हानि ही होगी, ठीक है, 1% आपको ये हानि हुई है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन देखिए, यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाते हैं तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि 33 से 1/3% का लाभ हो? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए बिल्कुल इजी में भी बताऊंगा मैं, ठीक है, आपको इस सवाल कैसे करना है दोस्तों, ठीक है। ऐसे जीडी में आपकी बार भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे दोस्तों, आपको बिल्कुल सही करके आने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, 4 की दर से, यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे दोस्तों, मतलब 1 के 4 खरीद लिए दोस्तों ने, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तो 1 रुपए में कितने बेचे कि 33% का लाभ हो, 33 से 1/3% का लाभ हो? दोस्तों इससे क्वेश्चन का दोस्तों आपको ऑप्शन से करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स आप देखते हैं दोस्तों, थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं 3, हम दोस्तों 3 से ट्राई करते हैं अभी, ठीक है। 1 से वैल्यू दोस्तों हमारी होगी 4, ठीक है, और दोस्तों अब 1 से 3 करके देखते हैं, आर पार दोस्तों गुणा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको आर पार गुणा करनी है, ठीक है, ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, ठीक है, 3 दोस्तों 4 हो गए यहाँ पे, ठीक है, आर पार गुणा करने के बाद 3 हमारा सीपी है दोस्तों, और ये हमारा एसपी है, ठीक है। दोस्तों 3 से 4 हो गया, मतलब दोस्तों 1 का लाभ हो गया कितने पे, 3 पे, गुणा में दोस्तों 100, हेलो दोस्तों हमारी आ गई दोस्तों 100/3, और दोस्तों जब आप 100/3 को दोस्तों इसको जब भाग देंगे दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 33 से 1/3%, ठीक है। दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं है तो आप करके देख लेना, आप हमारा आंसर ये आएगा 33 से 1/3%। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3rd, ठीक है, सी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं 3, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे करके आने हैं, वहाँ पे गलत क्वेश्चन नहीं करने हैं दोस्तों, ठीक है, आपको एकदम सही करके आने हैं। दोस्तों अगर आप एस एस जी डी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसे रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपके लिए बेनिफिट होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच।